Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस आपके पीएसआई एग्जाम का दैट इज यूर सब इंस्पेक्टर ये आपका करंट सिलेबस नहीं है ये वो सिलेबस है जो लास्ट टाइम आपको एग्जाम के लिए दिया गया था ऑल दो जस्ट फॉर्मेट में सिलेबस दिया था अब जेके एस वैसे फॉर्मेट में सिलेबस नहीं देती है अब प्रॉपर एक डिटेलिंग होती है सिलेबस की एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिलेबस होता है लेकिन उस टाइम पे क्या किया था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको फोर्टीन पॉइंट्स में यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए थे एंड इनकी कोई डिटेल्स आपको नहीं दी थी कि कौन सा टॉपिक

तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले हमारा ये वाला सिलेबस पहला पॉइंट दिया हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो ये ये करंट अफेयर्स है हर एग्जाम में रहेगा ही चाहे वो आपका एसएसबी का एग्जाम हो या अगर आपके के पी एस के लिए भी एम कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ दी एग्जाम्स तो इसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आप विजन आई फॉलो करते हैं विजन आई की मंथली मैगजीन आती है विजन आई की ठीक है मंथली मैगजीन आती है जिसे लास्ट के फाइव मंथ्स हो गए लास्ट के फाइव मंथ्स की आप मंथली मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो जो मेरा मॉड्यूल मैं आपको करवा रही हूँ उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है उसमें आपको सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड योर इंडियन नेशनल मूवमेंट ठीक है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग से लिखा है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से लिखा है फिलहाल हमें ये नहीं पता कि इस साल सिलेबस में कितनी ज़्यादा चेंजेस आएंगी लेकिन इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चले कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आपको करना होगा एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट भी तो हुआ तो उसका मतलब हुआ हिस्ट्री में आपको एंशेंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री भी कवर करनी है मेडिवल ठीक है ये दोनों हिस्ट्री आपको कवर करनी है प्लस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपका टाइम होता है 1857 से लेकर 1947 जब तक इंडिपेंडेंस मिली थी वो वाला टाइम उसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं तो करंटली जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है सब इंस्पेक्टर का उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट एंड आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट ठीक है फिर आता है इंडियन वर्ल्ड एंड जोग्राफी तो इसमें आपको क्या करना है फिजिकल पॉलिटिकल जोग्राफी सोशल इकोनॉमिक जोग्रफ़ी स्टेट की कंट्री uh, की एज वेल एज वर्ल्ड की तो आपको इंडियन जोग्रफी भी इसमें पढ़नी है फिजिकल पॉलिटिकल एंड आपको इसमें वर्ल्ड जोग्रफी भी पढ़नी है फिजिकल पॉलिटिकल तो ऑल दो ये जो जोग्रफी यहाँ पे इन्हें छोटा आपको लिखा हुआ है इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक क्योंकि आपको दोनों चीज़ें कवर करनी है इंडिया की भी एंड वर्ल्ड की भी हम फाइनल सिलेबस में देखेंगे कि इसमें कितनी चेंजेस आई होंगी लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट होगा इंडियन जोग्राफी से ठीक है तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन हम स्टार्ट कर लेंगे जो हमें एक्सपेक्टेड होगा कि आपके नए सिलेबस में भी होने के हंड्रेड परसेंट चांसेस हैं फाइन जैसे हमारा कोर्स आगे आगे चलता है वैसे आपका सिलेबस भी आ जाएगा और हम अकॉर्डिंगली अपने बैच को मॉडिफाई करेंगे फिर आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो इसमें आपको क्या कवर करना है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ठीक है फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग चैप्टर्स में आता है उसके कुछ चैप्टर्स होते हैं तो वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वहाँ से पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे तो हमारा जो बेस हम मान के चलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एंड आपका प्रीवियस सिलेबस होगा तो फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ठीक है वो आपके पी वाई क्यूज में ऑलरेडी आ चुके हैं उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे फिर पॉलिटिकल सिस्टम जैसे इंडिया में क्या होता है बाई पार्टी सिस्टम है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली पंचायती राज किन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से बना था फिर आपकी पब्लिक पॉलिसी राइट्स एंड इशूज वगैरह ये सारा आपका किस में कवर हो जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में तो ये सिर्फ पॉलिटी वाला पार्ट नहीं है गवर्नेंस वाला पार्ट भी है ये गवर्नेंस हम पढ़ते हैं जब हमें के ए एस मेन्स या यूपीएससी पी मेन्स पढ़ना होता है उसमें आपके गवर्नेंस वाला पार्ट आता है तो इन्होंने जो आपका सब का सिलेबस बनाया था उसकी काफ़ी ज़्यादा डेथ इन्होंने रखी थी फिर जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट हो गया ये हमें सेपरेटली पढ़ना है तो इसके अंडर कितने सेक्शन शेड्यूल्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो खासकर आपके पी वाई क्यूज में जिस तरीके के क्वेश्चन आए थे उस तरीके का ही हमारा इसका कंटेंट बनेगा फिर इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आ गया ठीक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तो इसमें हम क्या देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे एस डी जी गोल्स होते हैं कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो कितने हैं ठीक है थीके? इन किस गोल का क्या टारगेट है उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है फिर पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल असेक्टर इनिशियटिव ये इसमें कौन सा वाला पोर्शन कवर होगा इसमें खासकर आपकी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होंगी उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा फाइन तो जिससे आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा एंड आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कवर हो जाएगा इसका स्टैटिक पोर्शन भी होगा जैसे पॉवर्टी की कुछ थियोरीज होंगी कुछ डेफिनेशनस होंगी कुछ कमिटीज होंगी ठीक है वो भी पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा आपका स्टैटिक भी लेकिन इसमें हमें करंट पोर्शन भी कवर करना है फिर आ गया आपका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज तो अगेन इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी आएगा कि एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडावर्सिटी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके साथ एसोसिएटेड कैटेगरीज टर्म्स वगैरह कौन सी हैं तो इसमें आपकी ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी प्लस इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आता है ठीक है करंटली कोई अगर ऐसी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के क्या जो है कंक्लूजन्स डिराइव किए हैं उस मीटिंग से कोई टारगेट्स अगर सेट हुए हैं तो कौन से टारगेट सेट हुए हैं अभी रिसेंटली कौन सा कन्वेंशन हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी तो इसका सोर्स आपका स्टैटिक पोर्शन के लिए बेस्ट रहता है शंकर आयस एकेडमी की बुक पूरी बुक नहीं है कुछ चैप्टर्स हैं उसके शंकर आयस अकेडमी के एंड बाकी करंट जो है वो अगेन आपको पता है विजन एंड है आपका न्यूज़पेपर फिर इंटरपर्सनल पर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है तो यहाँ से आपके सिंपल से क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादा इसमें कुछ करने वाला नहीं है स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ एक आदाब आपकी थियोरीज वगैरह होंगी जो आपको इसमें कवर करनी होंगी फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं जैसे वाइटमिनस मिनरल्स डिफिशेंसीज़ उनके नाम ठीक है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ वो सारी चीज़ें फिर किस डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है एंड यहाँ पे कोई uh, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ किसने इन्वेंट की है उन साइंटिस्ट के नाम वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं फिर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूसेज वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट एंड द यूसेज ठीक है तो ये वाला जो सिलेबस है ये आज से स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीथ ऑगस्ट से आपका कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल आपका साइड बाई साइड चल रहा है एंड आपका रीजनिंग वाला पोर्शन करंटली चल रहा है तो आपको नीचे लिंक में, में मेरी uh, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको नोटिफाई करती हूँ वीक से पहले हमारे वीक का सिलेबस भी आ जाता है ठीक है तो डू स्टे टिल स्टेट एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी हमारा जो पेड मॉड्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं फिर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी इसको हम एक मान के चलेंगे इसमें आपके बेसिक जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले ठीक है तो जैसे आपने पढ़ा होगा नंबर सीरीज हम पढ़ते हैं लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ठीक है फिर हम देखते हैं ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशंस स्टेटमेंट कंक्लूजन्स तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है फिर बेसिक न्यूमरेसी आपका आता हाँ है तो बेसिक न्यूमरेसी में कौन सी चीजें कवर करनी होती हैं जैसे आपका आ, एच सी एफ एल सी एम है ठीक है रेशियो प्रपोर्शन है तो वो हमें काफी लो स्टैंडर्ड का कवर करना होता है क्लास टेंथ लेवल का यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास टेंथ लेवल तो आई थिंक आपका जो सिलेबस है इसमें और भी काफी चेंजेस आई आए, आएंगी जो आपका नया सिलेबस आएगा उसके कंपैरेटिवली तो वो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि क्या क्या चेंज क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चेंज आई है तो ये आपको किस, किस में करना है क्लास टेंथ लेवल का ठीक है ये याद रख लेना तो आपको ज्यादा एडवांस लेवल नहीं जाना है क्योंकि ये जो बेसिकली सिलेबस है ना दिस इज जो सिलेबस ऑफ सी सैड जो आप यूपीएससी और जेके पी में करते हो तो आपको उस लेवल तक नहीं जाना यू हैव टू स्टिक टू क्लास टेंथ लेवल ठीक है तो ये आपका जो बेसिक सिलेबस इन्होंने दिया था लेकिन होपफुली इस सिलेबस में चेंजेस आएंगी जैसे इसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिया है ठीक है तो विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है लेकिन जो आपका नया सिलेबस आएगा उसमें जे के रेफरेंस में चीज़ें जरूर होंगी क्योंकि जे के एस एस बी का कोई भी एग्जाम विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के नहीं होता है तो आपको इसके साथ क्या कवर करना होगा हिस्ट्री ऑफ जे एंड के इकोनमी ऑफ जे एंड के जोग्राफी ऑफ जे एंड के ठीक है अगर फिर पॉलिटी का भी कुछ आ गया होगा वो एंड आपके इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं फिर फ्लोरा होना होता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी अब मेरा जो मॉड्यूल है उसमें आ, क्या रहेगा उसका एक तो आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा इसमें ये जो सारा सलेबस है ये आपको कवर करवाएंगे ठीक है प्लस जो क्लासेस है वो कैसे रहेंगी क्लासेस रहती हैं इसको मैं पहले थोड़ा इरेज कर देती हूँ तो week, आपकी क्लासेस चलेंगी फाइव डेज अ वीक आपकी क्लासेस चल रही हैं फाइव डेज डेज अ वीक ये स्टार्ट हो गया है ट्वेल्थ ऑगस्ट से जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे वहाँ पे यू कैन वॉच द एज पर योर कन्वीनियंस जैसे कि टाइम आगे आगे जाएगा न हमारे पास एक प्रॉपर सिलेबस एंड ऑल वो सारी चीजें आ जाएंगी तो डाउट सॉल्विंग के लिए हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे ठीक है ये सारी चीजें एंड आपकी क्लास फाइव डेज होगी सिक्स डे आप क्या करोगे आप रिविजन करोगे जो भी हमने पढ़ा होगा सेवेंथ डे आपका एक लाइव टेस्ट होगा शाम को आठ या नौ बजे उस टेस्ट की टाइमिंग होती है जैसे हमारे एंटी बैच का भी हो रहा है उस टेस्ट में आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी लीडर बोर्ड पे कि अमंग ऑल द स्टूडेंट्स आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो ठीक है वो सारी चीजें आपके लाइव टेस्ट में होंगी एंड डेली जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस आपको डेली एक क्विज भी मिलेगा जो आपको लेक्चर के बाद सॉल्व करना होगा तो फाइव डेज में आपको फाइव क्वेजेस मिलेंगे प्लस सेवन डे आपका एक जनरल सा लाइव टेस्ट होगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम वीक वन से ही फॉलो कर रहे हैं हमारा एंटी बैच फर्स्ट ऑगस्ट से चल रहा है जिसमें सारी चीजें हैं तो इससे क्या होता है टाइमली आपका रिविजन भी होता रहेगा एंड आपके टेस्ट काफी जरूरी है तो आप डे वन से ही खुद को टेस्ट के लिए दैट मीनस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे पी वाले बैच में होंगी उसको परचेज करने के लिए आप नीचे जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जा सकते हैं तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे